सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल आदर्श विहार बुद्धेश्वर लखनऊ में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विद्यालय के संस्थापक श्री तेज बहादुर सिंह और श्रीमती गंगोत्री देवी ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती शीला सिंह ने पूरे विद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी बच्चों का जोश देखने लायक था। आज़ादी के इस पावन पर्व पर कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। आपके स्कूल में सेलिब्रेशन हो रहा है और साथ ही साथ 10th और 12th के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं शीला सिंह, मैनेजर सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल जो कि बुद्धेश्वर में स्थित है, आए यहाँ दुबग्गा में। और हमारा स्कूल जो है 2010 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका मेन मोटिव हमारा यही था कि हम गरीब बच्चों के बीच आके उनको शिक्षा देने का प्रयास करें, जो कि आजकल गवर्नमेंट का मोटिव भी है। वो यही चाहती है कि जो भी गरीब बच्चा हो, पढ़ाई सभी का अधिकार है, सभी को पढ़ाई मुफ्त मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। और बहुत ही ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए भी बहुत ही कम फीस में यहाँ पर पढ़ाते हैं और उसका काफ़ी इम्पैक्ट मुझे देखने को मिला है। वैसे तो बहुत से स्कूल खुले हुए हैं लेकिन हमारा जो एम था, मुझे लगता है हम वहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आज हमारे देश का अमृत महोत्सव है जो कि आप जानते हैं पूरे भारत का पर्व मनाया जा रहा है 15 अगस्त को। आज के दिन हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज़ाद देश में पैदा हुए और हमारे जो भी पूर्वज थे जिन्होंने इतना मतलब प्रयास किया इस देश की स्वतंत्रता के लिए, मुझे उन्हें नमन करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले रहे हैं और अच्छे से देश को अपना जो भी सहयोग कर सकते हैं एज ए सोशल वर्क, उसमें हमारा सहयोग एक छोटा सा प्रयास है एक स्कूल के माध्यम से। और मैं यही चाहती हूँ कि इसमें हम आगे बढ़ें, हमारी और भी ब्रांचेज हों, जिसके लिए सभी की विशेष की बहुत ज़रूरत है। और आगे तो अच्छा वर्क सभी को करना चाहिए और मैं भी करने का प्रयास करती हूँ। हम लोगों के भाग्य है जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहाँ मौका आता है, कहाँ मिल पाता है ऐसा समय, तो बहुत बहुत बधाई हो सबको अमृत महोत्सव का। और सब लोग खुश रहें, सभी लोग मिलकर मनाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। सबके लिए खुशी का दिन है आज। बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे भी जाते रहें। मैम, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की तरफ से आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? और आज कुछ बच्चों को फेलिसिटेट भी किया जा रहा है आपके स्कूल की तरफ से, उसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग, मैं सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रितु धमेजा हूँ और आप सबको 75th इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम इस डे को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन दें, एंड उसी तरह से हमने स्कूल में भी तैयारी की है और बहुत अच्छे से अभी आप खुद भी देखेंगे कि भव्य सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थॉट है किसी के लिए भी। फ्रीडम जो है वो हमेशा थॉट से होती है। मेरा ये अपना मानना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को फील करें, लेकिन फ्रीडम फॉलो होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप स्कूल एजुकेशन के साथ। अगर ये स्टेप बाय स्टेप स्कूल एजुकेशन के साथ एसोसिएट नहीं होती है हमारी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंडिपेंडेंस है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लाती है, ना तो हमारी खुद के लिए और ना हमारी कंट्री के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का ये थॉट था कि वाइट पीपल जो हैं वो पैदा हुए हैं उन कंट्रीज़ को रूल करने के लिए जो कैपेबल नहीं है अपने लोगों की केयर करने के लिए। इसी थॉट के अंदर उन्होंने हमारी कंट्री को और हमारे पीपल को एनस्लेव किया, पर हमारे मार्टिर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ने उनको ये बता दिया कि इतना आसान नहीं है इंडिया में ज़्यादा समय तक रूल कर पाना और रह पाना, और उनको अप्रूट कर दिया यहाँ से एंड वो वापस चले गए। उसके बाद हम हर साल 15th अगस्त
वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947 एंड उसके बाद हम हर 15 अगस्त को इस दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह से मनाते हैं और हम होमेज देते हैं अपने मार्टर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स को और याद करते हैं उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या किया। मैं कभी सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि उनकी वजह से आज हम फ्री होकर डे लाइट में घूम पाते हैं और डीपली सो पाते हैं रात में, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स को बाहर से और अंदर दोनों तरफ से सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं। बाकी बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, मैं हमेशा इस तरह की एजुकेशन के फेवर में हूँ जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, और मैं हमेशा इस बारे में प्लानिंग करती रहती हूँ अपनी टीम के साथ कि कैसे हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जो उनको सिविलाइज्ड करें और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग रियलाइज करें कि एक्चुअली व्हाट फ्रीडम इज। हम जो हैं आज क्लास 10th एंड क्लास 12th के हमारे जो टॉपर्स हैं जिन्होंने 90% से अबव स्कोर किया है, तो हमारी मैनेजर महोदया जो स्कूल की ओनर भी हैं वो जो है वो बच्चों को फेलिसिटेट करेंगी, उनको ट्रॉफी दी जाएगी, उनको जो है वो साथ में सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और उन बच्चों को फेलिसिटेट किया जाएगा और एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम जो कि पूरा इंडिपेंडेंस के थॉट पे बेस्ड है वो भी अभी यहाँ पर होगा। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।